हाउ टू टैप द कॉस्मिक एनर्जी। सिद्धों ने इसका ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए वो कंदराओं में, हिमालय की कंदराओं में अभी भी वो सिद्ध लोग बैठे हैं, जंगल में अभी भी वो लोग बैठे हैं। वहाँ कौन सा भोजन पकता है, यहाँ कौन सा वो राशन और बिस्लरी की बोतलें लेकर के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। दे आर जस्ट देयर सिटिंग एंड मेडिटेटिंग, कई कई महीने, कई कई बरस, तो उनको कौन भोजन कराता है। और वास्तव में एक लेवल ऐसा आता है जब आप इच्छा करते हैं तो भगवती जो है शिव शिवा, वो माँ आके भोजन करा के जाती है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मैं सच बोल रहा, वो आके, एंड दैट फूड इज़ अ डिफरेंट फूड, इट्स रिमार्केबल, एंड यू कैन गिव एनीथिंग टू हैव दैट काइंड ऑफ ग्रेस। तो वो भी होता है, वंस यू हैव टू रीच टू दैट कॉन्शियसनेस लेवल, यू कैन कनेक्ट। अब मॉडर्न लैंग्वेज में यू कॉल इट एलियंस, एलियंस आ गए, एलियंस तुमसे बात कर गए, एलियंस तुम्हें इंफॉर्मेशन दे गए, बट लेकिन वो एलियंस नहीं, हमारे शास्त्रों में वो पहले से ही लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य की योनि के बाद जो उच्च की योनियाँ हैं वो यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, तो वो लोग भी संपर्क साधते हैं। संपर्क तो उनका है ही, लेकिन हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है उनकी वाइब्रेशंस को कैच करने की। जैसे जैसे हमारा प्योरिफिकेशन लेवल होता है, वी कैन इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद देम, यू कॉल इट एलियंस बट दे आर आवर ओन पीपल। उसके बाद जो देवता देव योनि है, एंड अ लॉट ऑफ यूनिवर्सल सीक्रेट्स आर देयर, एंड ऑल दिस हायर एनर्जीज जिनको आप एलियंस बोलते हैं, मोर देन विलिंग दे आर टू रिवील दीज सीक्रेट्स। द ओनली थिंग इज वी आर नॉट रेडी टू कम्युनिकेट विद देम, वी आर नॉट रेडी टू रिसीव देयर ब्लेसिंग्स। हम तो फंसे हुए हैं अपने ही संसार में, हम तो फंसे हुए हैं इस बॉडी कॉन्शियसनेस में, जबकि द रियल रियालिटी इज द गॉड कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस है तभी अहंकार होगा, ईगो होगी। ईगो में क्या आदमी ढूंढता है कि मैं जो ये शरीर हूँ मेरी कितनी इज्जत हुई, मैं ये जो शरीर हूँ मेरे शरीर को कितना आदर दिया गया, या दूसरे जो शरीर हैं वो कैसा मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं। इट्स ऑल इज़ अ बॉडी कॉन्शियसनेस, एंड टिल द टाइम ए पर्सन इज स्टक इन द बॉडी कॉन्शियसनेस, उसको ये इज्जत तिरस्कार अहंकार ये खाएगा ही खाएगा। उसकी आध्यात्मिक उन्नति ऐसे मनुष्य की नहीं हुई है। वंस, क्योंकि व्हेन यू कम्युनिकेट विद मी आई कैन मेक आउट दैट विच पर्सन इज स्पिरिचुअली हाई एंड विच पर्सन इज ही हैज टू ग्रो। क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा मैं, मेरा, मेरे को छुओ, मेरे पे कृपा, मेरा ये, इट्स दैट कन्वर्सेशन इज, आप अपना भी एनालिसिस करना कि क्या योर कन्वर्सेशन इज मोर कनेक्टेड टू योर बॉडी कॉन्शियसनेस, या तुम्हारी जो बातचीत है वो भी इट इज़ कम्बाइंड। लेट अस ऑल फर्स्ट इज द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, और उसी के बाद जब आध्यात्मिक उन्नति होगी तब आपका कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की तरफ ध्यान जाएगा। वन इज द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी मीन्स यू आर मोर हैप्पी, द हाउ मच रिस्पेक्ट इज वर्ल्डली रिस्पेक्ट इज गिवन टू दिस बॉडी, वेदर समबडी इज टेकिंग केयर ऑफ दिस बॉडी, whether this body is showing authority to other bodies, that is the body consciousness, which we call it the lowest consciousness of a person. The person is at the lowest consciousness. वो पशु भाव से थोड़ा बहुत ऊपर उठा होगा, अभी और ऊपर नहीं उठा, जब अहंकार ज़्यादा होता है। और जब वो individual ख़त्म होके he starts looking at, oh, how can I help someone, how I can
हेल्प एनीबडी ग्रो, मैं किस तरीके से क्या कर सकता हूँ, देन ही इज एंटरिंग इन टू कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और फिर उसके बाद जो है कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा, मेरा जो हो गया हो गया, अब लेट मी बी वन विद द अल्टीमेट, दैट इज यू आर एंटरिंग इन टू द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस।